अन्योन्य क्रिया, तो कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाकर प्रभावित करे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक ट्रक है और ये एक ट्रक है, तो इसको वस्तु कह सकते हैं, इसको भी वस्तु कह सकते हैं। तो ये ट्रक कहीं पर फंस गया है ज़मीन पर और ये इस पर धक्का लगाएगा इसको ताकि बाहर निकाल सके। तो कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाकर प्रभावित करे, तो अब ये वाली वस्तु यानी ये ट्रक इस पर बल लगाकर इसको यहाँ से निकालेगा, यानी इसको प्रभावित करने का मतलब अब इसको हिलाएगा डुलाएगा यहाँ से बाहर निकालेगा। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के बीच की जो क्रिया है, अब ये जब धक्का लगा रहा होगा तो इनके बीच कुछ तो क्रिया हो रही होगी ना, तो वही जो क्रिया हो रही है उसी को अन्योन्य क्रिया कहते हैं।